हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग UPPCL TG2 के प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर के सेट को लेके आ चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माप यंत्र की सुग्राहिता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आउटपुट में वह अल्पतम बिंदु जिसे निश्चितता पूर्वक संसूचित किया जा सकता है, ठीक है। तो माप यंत्र यही है कि सबसे छोटा बिंदु जिसे हम लोग सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो यही इसका डिफिनेशन होता है, तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन यंत्र में बाल कमानी में डैश सामग्री प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो कौन सी सामग्री प्रयोग किया जाता है, तो फॉस्फोर कांस, ठीक है। फॉस्फोर का अंश प्रयोग किया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी उपयोगी डैपिंग प्रणाली है, ठीक है। तो कौन सा सबसे उपयोगी डैपिंग प्रणाली है, तो भंवर धारा प्रणाली, ठीक है। भंवर धारा प्रणाली सबसे उपयोग डीपी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जलावर्त विद्युत धारा की विशेषताओं का प्रयोग डैश कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसे किया जाता है, तो एमसी मीटर से, ठीक है, मूविंग कॉइल मीटर से, ठीक है, एमसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग केवल डिस्ट धारा मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, तो डिस्ट धारा मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो चल कुंडलीय प्रकार, ठीक है, चल कुंडलीय प्रकार के मीटर का। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक के चल कुंडलीय माप यंत्र का उपयोग डैश धारा के मापन के लिए किया जाता है, तो क्या होगा, डीसी आपूर्ति, ठीक है, डीसी आपूर्ति का किया जाता है, डीसी करंट का किया जाता है। लो प्रकार के गतिशील उपकरणों का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, ठीक है। तो लो प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग एसी और डीसी दोनों, ठीक है। दोनों के लिए किया जाता है, एसी और डीसी दोनों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन उपकरणों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों करंट के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो कौन सा उपयोग किया जा सकता है, तो मूविंग आयरन, ठीक है। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, लो प्रकार के उपकरण, ठीक है, तो वही है मूविंग आयरन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीटर है, ठीक है, आमीटर क्या है, तो आमीटर परिपथ में श्रेणी में लगाया जाता है, ठीक है, और मापी जाने वाली धारा इसके प्रवाहित होती है, ठीक है। क्या है आमीटर, तो एक श्रेणी में लगाने वाला उपकरण है जिसके अंदर से, ठीक है, मापने वाला जो करंट है, जिस करंट को मेजर करना है, वो उससे प्रवाहित होती है। आमीटर मापता है, आमीटर किसको मापता है, तो आमीटर धारा को मापता है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को समांतर में लगाने पर क्या होता है, ठीक है, आमीटर को अगर पैरेलल लगाएंगे तो क्या होगा, तो जो हमारा सर्किट है वो लघु परिपथ हो जाएगा, ठीक है, परिपथ लघु परिपथ हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि शॉर्ट्स हो जाएगा मेरा हमारा सर्किट, ठीक है, सी करेक्ट आंसर था। एमीटर की रेंज को एक डैश मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एमीटर की रेंज को किस तौर पर बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें निम्न मान प्रतिरोध के साथ समांतर
समानांतर जोड़कर, ठीक है, निम्न मान प्रतिरोध के साथ समानांतर जोड़कर अमीटर की रेटिंग को बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर एमीटर में, हाँ, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर एमीटर में संकेतक को विक्षेप करके अनुपात में होता है, ठीक है। तो अचल कुंडली और चल कुंडली में धाराओं का माध्य वर्ग, ठीक है, चल कुंडली और अचल कुंडली के बीच में होता है। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श करंट स्रोत है, आदर्श करंट स्रोत है, ठीक है, आंतरिक की चालकता शून्य हो होती है तब, ठीक है, आदर्श करंट स्रोत क्या होगा तब, कब होगा, तो जब आंतरिक चालकता शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव अंतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो विभव अंतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। डी करेक्ट आंसर। वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो मल्टीप्लायर प्रतिरोध का, ठीक है, मल्टीप्लायर प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाया जाता है, टेक्नीशियन भी कहता है समांतर में, तो कौन सही है, ठीक है, टेक्नीशियन ए सही है कि टेक्नीशियन बी सही है, ठीक है, तो क्या वोल्टमीटर को हम लोग किस में लगाते हैं, श्रेणी में लगाते हैं या समांतर में लगाते हैं, ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर में लगाते हैं, ठीक है, तो टेक्नीशियन भी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन प्रतिरोध को निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है, इंसुलेशन प्रतिरोध को निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है, तो किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो मेगर के द्वारा। सी करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम मीटर की तुलना में मेगर को प्राथमिक देने का कारण क्या है, ठीक है, तो इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम मीटर के बजाय मेगर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओम मीटर की अपेक्षा इनमें से अपेक्षा इसमें विभव अधिक होती है, ठीक है, ओम मीटर की अपेक्षा इसमें विभव अधिक होती है, इसलिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट मीटर एक डैश होता है, ठीक है, तो वाट मीटर क्या है, तो वाट मीटर संकेत यंत्र है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, तो वाट मीटर क्या है, तो वाट मीटर एक संकेत यंत्र है। आज के सेट में इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको मेजरमेंट यूनिट से था, ठीक है, और मेजरिंग यूनिट से सारा क्वेश्चन था, और ये सारा क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएल टीजी टू में पूछा गया, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है कि उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।